स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो है हम 100 के निकटतम संख्याओं का वर्ग करने की ट्रिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पहले जो कि हमारी कल की वीडियो में हमने पढ़ा है कि 100 में हम छोटी संख्या व बड़ी संख्या, है ना, दोनों ही प्रकार की संख्याओं का हम वर्ग करने की बात कर रहे हैं। कल हमने छोटी संख्याओं के बारे में चर्चा की है। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है कृपया एक बार वो कल की वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आज हम 100 से बड़ी संख्याओं के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हम 100 से बड़ी संख्याओं को वर्ग को बहुत ही आसानी से कुछ ही समय में कर सकेंगे, हम देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे 100 से बड़ी संख्याओं की। 100 के निकट में जो बात कर रहे हैं हम, उसमें हम बड़ी संख्याओं के बारे में आज उनके वर्ग करने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो 100 से बड़ी संख्या जो कि जस्ट बड़ी है, हम ले लेते हैं 101, ठीक है जी, 101। अब हम इसका करना चाहते हैं वर्ग, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि देखिए, कल हम छोटी संख्याओं में क्या कर रहे थे भाई, जैसे 99 है, तो 99 और 100 की कंपेयर कर रहे थे। तो क्या कह रहे थे कि भाई 99 100 से कितना कम है, एक कम है, और यहाँ कम को दिखाने के लिए हमने माइनस लगाया था, और इस एक का क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। तो यहाँ कितना लिखा था हमने, 01। एक का वर्ग करके क्या लिखा था हमने, 01। हमने आपको बताया कि दो अंक रखने हैं, न एक अधिक न ही कम, क्योंकि एक है, एक अकेला अंक था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाई और बाद में 99 से 1 को घटा लिया, और इस तरीके से हमने यहाँ कितना लिख दिया था, 98। इसी तरीके कई एग्जांपल्स हम कल की वीडियो में देख चुके हैं, है ना। जिन्होंने वो कल की वीडियो नहीं देखी है कृपया एक बार जरूर जाके उसे देख ले आप। देखिए दोस्तों, अब बात करें हम इसी तरीके से 101 के वर्ग की, तो हम इसी तरीके से तुलना करेंगे 100 की और 101 की। तो ये कितना अधिक है, एक अधिक है ना, 101 100 से कितना अधिक है, एक अधिक है। अब इस एक का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। हम एक का वर्ग कर देते हैं, तो एक का वर्ग कितना हो, एक। तो कल के ही तरीके से हमें कितने अंक लिखने हैं, दो अंक लिखने हैं, ठीक है। एक का वर्ग एक हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या, एक लिखा, और दो अंक करने हैं, इसलिए हमने क्या लगा ली, 0 लगा ली, ठीक है। कल भी बताया था इधर 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, वो गलत होगा, इसलिए हमें एक भी रखना है और दो अंक भी रखने हैं। तो इसे आगे की तरफ 0 एक, एक ही तो है। अब देखिए ऐसा कर लिया हमने, इसके बाद 101 में एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया ये, 102। और इस 102 को आप यहाँ पे लिख दीजिए आगे, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 101 का वर्ग बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया है, 102 01, क्लियर। देखिए आगे और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम अगली संख्या देखते हैं, तो 102 के बारे में मैं बात करूँ, तो 102 की तुलना करिए 100 से, कितना बड़ा है ये, 2 अधिक है। तो इस 2 का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। देखिए तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि 2 का वर्ग क्या है, 4 है, 2 का वर्ग 2 × 4 हुआ। तो ये 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं, इसलिए हमने एक क्या लगा ली, 0 लगा ली, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद 102, और देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पिछली वीडियो में जो छोटी संख्या थी घटा रहे थे, इस बार बड़ी संख्याओं में बस केवल क्या फर्क आया है, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। तो 102 और +2, तो कितना हुआ ये, 104 हो गया, है ना, ये कितना हो गया, 104 हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। तो अब अगर हम बात करें 103 के वर्ग की, तो 103 100 से कितना अधिक है, तुलना करिए। देखिए 103 जो है 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब इस 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग कितना आएगा, 9 आएगा, है ना, 9। तो आपने यहाँ क्या लिखा, 9, और दो अंक लिखने हैं, तो क्या लिखा आपने, 0, ठीक है। इस तरीके से ये 2 अंक हो गए आपके, इसके आगे क्या लिखना है, 103 और 3 को जोड़ दीजिए, तो कितना आया, 106। इस 106 को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से 103 का वर्ग कितना आया, 106 09, ठीक है। अब देखिए 104 की बात करते हैं, तो ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4। तो इस 4 का हम वर्ग कर लेंगे। देखिए 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। ये 16 आपने यहाँ लिख दिया, है ना, 104 है वो 100 से कितना अधिक है, 4। तो 4 का वर्ग कितना हुआ, 16 लिख लिया आपने। अब 104 में 4 जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, 108 हो गया, है ना, कितना हो गया, 108। ये 108 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो 104 का वर्ग कितना हुआ भाई, 108 16, क्लियर। इसी तरीके से 105 को लिख देंगे, तो ये कितना अधिक है, 100 से 5 का आप वर्ग करिए, 5 का वर्ग,
तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, तो यहाँ कितना है 25। तो देखिए जैसे कि आप समझते हैं, कल भी आपने समझा है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें दो अंक रखने होते हैं। जब एक अंक होता है अकेला तो सामने जीरो लगा लेते हैं, जैसे दो अंक होते हैं तो हमने जीरो लगाते हैं, ठीक है, नहीं कोई हासिल आता है। जैसे तीन अंक होते हैं तो हम हासिल भी लगाएंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पे दो अंक है पूरे पूरे, 5 का वर्ग क्या है 25, 25 में दो अंक है तो कुछ नहीं करना है। तो 105 और 5 जोड़ लिए तो कितना हुए 110 हुए, है ना। 110 आपने यहाँ पर लिख दिए, इस तरीके से 105 का वर्ग कितना हो गया है ना 110, 25 हुआ है। और देखिए दोस्तों वैसे हम 105 का जो है उस तरीके से भी सीख चुके हैं जब इकाई का अंक क्या था 5 था। अगर आपको याद है आपने पहली वीडियो देख ली है तो आप अच्छे से समझते हैं, और अगर आपने नहीं देखी एक बार जाकर आप उसे जरूर देख लें। तो हमने उसमें क्या समझाया था, जिसमें इकाई का अंक क्या हो 5 हो, तो आप क्या कर सकते हैं इस 5 का वर्ग कर सकते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और जो उससे आगे की संख्या है उससे अगली संख्या नेक्स्ट, जैसे 10 के बाद गिनती में क्या आता है 11, है ना, 10 के बाद 11 आता है, तो 10 की और 11 की गुणा करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो कितना हुआ 110। तो इस तरीके से 105 का जो वर्ग है 110 25 आप इस वाले मेथड से भी इजीली फाइंड आउट की कर सकते हैं। चलिए खैर हम बात फिलहाल इस वाले निकटतम मेथड की बात कर रहे हैं, हम चलेंगे 106 के वर्ग पे। तो देखिए अगर हम तुलना करें कि 106 100 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 6 अधिक है, ठीक है। आप आराम से समझ सकते हैं कि जो 106 है वो 100 से कितना अधिक है 6 अधिक है। अब ये जो 6 आया है इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने 6 का वर्ग किया, यहाँ पे हमें दो अंक प्राप्त हुए, कितने 36 हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 106 और 6 को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 112। अब ये 112 आप आगे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से 106 का जो वर्ग किया है आपने कितना आया 112 36, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला देखते हैं 107 को देखते हैं, 107 का वर्ग हम कैसे करें। तो फिर से तुलना कीजिए, देखिए कितना अधिक है ये 107 कितना अधिक है 100 से 7, है ना। तो इस 7 का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, है ना 49, आपने 49 को यहाँ पे लिख लिया। अब 107 और 7 को जोड़ लीजिए 114, है ना, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से आपने 107 का भी वर्ग आसानी से किया। 108 पे चलते हैं दोस्तों, है ना, 100 से कितना अधिक है 8 अधिक है, 8 का ना वर्ग कर दीजिए, तो 8 का वर्ग कितना हुआ 64, है ना 8 100, ये 108 जो है 100 से कितना अधिक है 8, है ना, आप समझ ही गए हैं कि 8 का वर्ग करना है, तो 8 का वर्ग कितना हुआ 64। ये दो अंक आपको यहाँ पर मिले, अब आप इनको जोड़ लीजिए 108 और 8 जोड़े तो कितना हुआ 116। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर आगे लिख दीजिए, 108 का वर्ग कितना मिला आपको 116 64, ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों अगली संख्या देखेंगे हम लोग 109, 109 का वर्ग करेंगे। तो 109 जो है 100 से कितना अधिक है 9 अधिक है, ठीक है ना, 9 अधिक है, तो 9 का क्या करिए वर्ग कर दीजिए, तो 9 का वर्ग कर देते हैं, तो 9 का वर्ग कितना हुआ 81, है ना, 81 आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें दो अंक है, है ना, दो। अब देखिए 109 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 118। इस तरीके से यहाँ पर आपने लिख दिया 118, ठीक है। तो 109 का जो स्क्वायर हुआ वर्ग हुआ वो कितना मिला है आपको 118 81। देखिए दोस्तों अगली संख्या क्या है हमारी 110, इसका वर्ग करना है ना। इसका हमने आपको कल भी एक्सप्लेन किया है कि जिस संख्या में लास्ट में क्या है जीरो है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो संख्या है यहाँ पे केवल उसका वर्ग कर दीजिए। जैसे यहाँ 11 अगर है तो 11 का वर्ग में क्या लिखूंगा 121, आप अच्छे से जानते हैं 11 का वर्ग क्या है 121। और ये जीरो जो है ना ये कितनी है एक है, तो डबल कर दीजिए इसको, ठीक है, एक है तो कितनी कर दीजिए दो कर दीजिए। इस तरीके से जिन संख्याओं में जीरो है उन संख्याओं का वर्ग इसी तरीके से करें। जैसे आपको अगर 70 का वर्ग करना है तो आप क्या करें, आप 7 का वर्ग करें, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, और जीरो को क्या कर दें दुगुना कर दें, है ना, एक है तो क्या कर दी दो होती तो कितना कर देते 4 कर देते आप इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये बीच में मैंने इसीलिए अलग से बता दिया है आपको, ठीक है। चलिए अब अगली संख्या पर चलते हैं 111, 111 जो है वो 100 से कितना अधिक है ना, हम तुलना करते हैं किससे 100 से, तो 100 से ही कितना अधिक है 11 अधिक है। अब 11 का वर्ग करिए आप, देखिए तो 11 का वर्ग कितना हुआ 121। अब यहाँ पे हमें एक और जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है, ठीक है, हमने कल की वीडियो में बताया जिसमें तीन संख्याएं आ जाती हैं हम लिखते हैं कितनी है, दो ही अंक लिखते हैं, तो लास्ट के दो अंक कितने हैं 121 में 21 है, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 21 लिख लिया है, ठीक है। अब ये जो एक अंक है जो एक्स्ट्रा है ये क्या करेगा हासिल जाएगा, ठीक है, ये हासिल हो गया है। अब देखिए 111 में आपने 11 जोड़े, 111 और 11 जोड़ के कितने हुए 122 हुए, और इस सवाल में एक हासिल भी आया है, तो 122 लिए और एक हासिल किए तो कितना हुआ 123। इस तरीके से 111 का वर्ग हुआ 123 21, क्लियर है आपको बात ये, ठीक है। अगर यहाँ पे कम समझ में आया अगले उसमें चलते हैं, उसमें भी तीन संख्या आएंगी, ध्यान से समझिएगा और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी।
देखिए यहाँ पे 112 है, जो कि अगर हम 100 से अब तुलना करेंगे इसकी, तो हमें पता लग रहा है कि ये 12 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 12। अब अगर मैं इस 12 का क्या कर दूँ? वर्ग कर दूँ, है ना? क्या कर दूँ? इस 12 का वर्ग। तो आप अच्छे से समझते हैं कि 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। सबसे पहली वीडियो में हमने आपको 11 से लेकर 19 तक के वर्ग की ट्रिक बताई थी। अगर आप उसका अभ्यास करें तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 12 का वर्ग कितना? 144। इसमें 3 अंक मिले तो हमने क्या लिखे? 2 अंक लिख लिए। कितने हो गए भैया? 44। क्लियर है ना? ये 44 लिख लिया। अब एक जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको क्या करें? उसको हासिल भेज देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 112 और 12 को ऐड किया तो कितने हो जाएंगे? 124। दो दो चार हुआ, एक और एक कितने में? 2 हुए, और एक ये हुआ तो 124 हुए ना, और एक हासिल जोड़ लिया हमने, तो इस तरीके से कितना हो गया? 125। तो 112 का वर्ग हुआ 125 44। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे 113 की। 113 के वर्ग की मैं बात करूँ तो ये कितना अधिक है? 13 अधिक है। 13 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो क्या प्राप्त होगा बताइए दोस्तों? कितना प्राप्त होगा? 169। और यहाँ पे अगर मैं 2 अंक लिखूँ तो कितना? 69। अगर किसी वजह से आपको कोई बात में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप हमें, ठीक है, ताकि हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। उसमें आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दी जाएगी जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आई है, ठीक है। उस पार्ट में आप हमें बता दें कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। चलिए देखते हैं आगे। तो 113 के वर्ग की हम बात कर रहे थे, हमने तुलना की 100 से, तो ये कितना अधिक है? 13 अधिक है। 13 का वर्ग कितना हुआ? 169। तो 69 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना? यहाँ पे हमने 69 लिख दिया। अब एक जो है वो हमने हासिल भेज दिया। 113 और 13 जोड़ लेते हैं, देखिए 3 और 3 6, 1 और 1 2, है ना? आप आसानी से समझ सकते हैं कितना हुआ? 126। और एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 127। देखिए 113 का वर्ग आ गया आपके पास। अब बात करें इसी तरीके से 114 के वर्ग की, ठीक है दोस्तों। तो ये 14 का वर्ग किया, है ना? 14 का वर्ग कर लेते हैं। 14 का वर्ग कितना हुआ? 196, ठीक है ना? 14 का वर्ग कितना हुआ? 196। यहाँ पे हम 2 अंक लिख लेते हैं, 2 अंक कितने लिखे? 96 लिखे दोस्तों। और एक क्या हुआ? हासिल हो गया है, ठीक है ना? एक क्या हुआ? हासिल हुआ है हमारा। अब देखिए अगर हमने जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, है ना? 114 और 14 जोड़े तो कितने? 128। और एक हासिल का तो कितने हो गए? 129, ठीक है। इजीली हमने पता किया ये कितना हुआ? 129। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगली संख्या पे। 115 लिया है। वैसे तो आप समझ गए हैं कि कल हमने जिसमें बात की थी कि ये इकाई अंक यहाँ पे 5 है, आप उस मेथड से भी इसको आसानी से कर सकते हैं कि आप 5 का वर्ग कर लीजिए, है ना? कैसे बताया गया था? आप 5 का वर्ग कर लीजिए 25, और जो अगली संख्या 11, 11 से उससे अगली संख्या यानी कि 12 में गुणा कर दीजिए, और ये कितना मिल जाएगा? 132। इस तरीके से आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। और फिलहाल अगर हम इस तरीके की बात करें तो सोच ये किससे कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो 15 अधिक है भाई, तो 15 का वर्ग कर देंगे हम लोग। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, ठीक है ना? कितना होता है? 225। अब अगर ये लास्ट के 2 अंक में यहाँ पे लिख दूँ तो 25 लिख दिया मैंने, और 2 जो है क्या भेज दिया? हासिल भेज दिया। अब देखिए 115 और 15 जोड़ के कितने हुए? 130 हुए, और 2 इस बार क्या है? हासिल है। तो इस तरीके से, तो आप ऐसे करें ऐसे करें जैसे आपको अच्छा लगे, बेहतर तरीके से आप उस तरीके से अपने सवाल को करें, ठीक है। अगले सवाल की मैं बात कर लेता हूँ, अगले नंबर की बात कर लेता हूँ। तो 16 कहाँ से आया? हमने 100 से इसकी तुलना की और कहा कि जो 16 है वो 100 से 16 अधिक है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। अधिक दिखाने के लिए हम प्लस लगा रहे हैं, जैसे कि कल हमने कम दिखाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। तो देखिए हमने 16 का वर्ग कर देते हैं। इस 16 का जो वर्ग किया हमने, तो 16 का वर्ग कितना हुआ? 256, है ना? आप अच्छे से जानते हैं कितना हुआ? 256। अब हमने ये 56 जो है यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। 2 अंक जो है लास्ट के हमने लिख लिए, अब 2 जो है हमने हासिल भेज लिया है। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, 132 और 2 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 134, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपको बताया गया, इस तरीके से हम लगभग 24 अधिक संख्याओं तक, है ना, जाके अपना वर्क कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इतनी संख्याओं, है ना, 100 से लगभग 16 बड़ी संख्याओं तक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि अभी बताया कि हम लगातार इन्हें 24 तक बढ़ा सकते हैं, आप इन्हें आगे अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई